वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आप भी अपने कढ़ी पत्ते के पौधे को मेरे पौधे की तरह घना और हरा भरा बना सकते हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से दो फ्री की ट्रिक्स को आजमा करके आपका पौधा भी हरा भरा और घना हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आज इसके उगाने का तरीका भी बताऊँगा और साथ ही कौन से दो फर्टिलाइज़र हैं जिनको मैं प्रयोग करता हूं, तो उनको भी प्रयोग करके आप अपने पौधे को इसी प्रकार का हरा भरा और घना बना सकते हैं। को अंत तक देखें और जानें कि किस प्रकार से हम अपने पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। आजकल आप देखेंगे कि हमारे कड़ी पत्ते के पौधे के ऊपर इस तरह से जैसे नीम के ऊपर निम्बोली लगती हैं, उसी प्रकार से इसके ऊपर भी फल आए हुए हैं और वे फल जब पूरी तरह से पक जाएँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम उनको, ये आप इसका फल देख पा रहे हैं, तो ये जब पूरी तरह से पक जाता है तो ये लगभग बैंगनी कलर का या काले से रंग का हो जाता है। जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इसको तोड़ करके इसका छिलका उतार करके हमें गमले में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तो एक दो पौधा इस प्रकार से मैं उगाऊँगा और वीडियो के अंत में आपको इसकी अपडेट दूँगा कि किस प्रकार से मेरा पौधा उग गया है। और दूसरा तरीका है, हम इसकी डीप प्रूनिंग करेंगे। तो ये तना मैंने इसका काट दिया है, इसको पूरी तरह से मैंने काट दिया, लगभग 2 से 2.5 फीट इसको सिर्फ छोड़ दिया। अब जिस दिन हम कटिंग करेंगे उसी दिन हमने इसमें फर्टिलाइज़र भी ज़रूर डालना है। तो गोबर की खाद और यूज़ की हुई पत्ती को पहले मैंने मिक्स कर लिया है, उसमें अब 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट की मैं डालूँगा। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद पौधे की जड़ों को थोड़ी सी दूर से खोद करके, तने से थोड़ा दूर से हम खोदेंगे और उसकी खुदाई करते समय ध्यान रखेंगे कि पौधे की जड़ें ना कटने पाएँ। तो इस प्रकार से हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर आज के दिन ही जिस दिन हमने कटिंग की है उसी दिन ये खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि पौधे को ग्रोथ करने के लिए अब खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आसानी से, ताकि इसकी जड़ें ना कटें, उसकी खुदाई कर लेते हैं और किसी भी खुरपे या शार्प ऑब्जेक्ट से हम थोड़ा थोड़ा खोद लेंगे और जड़ें ना कट पाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चारों तरफ लगभग 4 गड्ढे चारों तरफ इसके बना करके हम इसके अंदर खाद डालेंगे। तो ये हमारा एक कोने पर हो गया, इसी प्रकार से हम चारों कोनों पर इसमें खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और अभी आपको मैं दिखाऊँगा कि 20 दिन के बाद जो मैंने पौधा उगाया था वो इतना बड़ा ये हो गया है। तो इसी प्रकार से आप भी बीज को मिट्टी में दबा करके कड़ी पत्ते के पौधे को उगा सकते हैं। अब मैं आपको अपडेट देता हूँ कि किस प्रकार से 20 दिन के बाद हमारा जो पौधा है, जिसको हमने कटिंग की थी तने के ऊपर से, उसने कैसे ग्रोथ की है और 20 दिन के बाद हम ये फर्टिलाइज़र इसके अंदर डालेंगे। तो ये क्या है, चावल। चावल को हम मिला लेंगे और लगभग 2 घंटे तक छोड़ देंगे और चावल का पानी अलग हम निकाल करके और अपने कड़ी पत्ते के पौधे की जड़ों के अंदर इसको हम डाल देंगे। तो 20 दिन के बाद आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पौधे ने, हमारे तने पर देखेंगे किस प्रकार से दूसरी जो शूट्स हैं वे निकल के आ गई हैं, किस प्रकार से अच्छे से इसने फूट की हुई है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपका पौधा भी जब फूट करेगा, बहुत सारी इसके अंदर देखें साइडों में कितनी अच्छी इसकी शूटिंग्स निकली हुई हैं, तो उससे आपका पौधा भी आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर जैसे मेरा पौधा था उतना ही घना हो जाएगा। तो आप भी इस प्रकार की ट्रिक को आजमा सकते हैं। और ये चावल का पानी अभी मैं इसकी जड़ों के अंदर डाल देता हूँ। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 2 फर्टिलाइज़र बताए, पहला था गोबर की खाद, उसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती और साथ में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, और दूसरा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं वो है चावल का पानी। तो ये चावल का पानी अभी मैं इसकी जड़ों के अंदर डाल देता हूँ। दोनों फर्टिलाइज़र के बीच में हमें कम से कम 25 से 30 दिन का गैप ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपका पौधा भी इसी प्रकार से हरा भरा और घना बना रहे। तो इस ट्रिक को आप भी आजमाइए, अपने घर आंगन को हरा भरा बनाइए और हमारे जो बहुत सारे हमें औषधीय फ़ायदे या आयुर्वेदिक फ़ायदे हमें इस पौधे से मिलते हैं, उनका भी फ़ायदा आप उठाइए। कढ़ी पत्ते को कढ़ी बनाने में या दूसरी जो इससे जुड़ी हुई रेसिपीज़ हैं उनमें प्रयोग करके आप अपना इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपकी कोई क्यूरी है तो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और इसी प्रकार से पेड़ पौधों से जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।